हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम एक नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे जो है हेमिप्टेरा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर है जिसका सिनोनिम है रिंकोटा, ठीक है। और इस हेमिप्टेरा का जो मीनिंग है या फिर हम वर्ड को जब तोड़ के पढ़ते हैं तो हेमी मीन्स क्या होता है, हाफ, और पेट्रा मीन्स हो गया विंग, मतलब जिनके ऐसे इंसेक्ट जिनके जो विंग्स हैं वो हाफ होंगे, हाफ इन द सेंस पूरे बॉडी को कवर नहीं करेंगे, ठीक है। और इनमें जो इंसेक्ट्स आते हैं वो हैं ट्रू बग्स, मतलब जो भी बग के टाइप वाले इंसेक्ट्स होते हैं ना वो सारे आते हैं हेमिप्टेरा में। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इसमें बहुत सारे मैं सब ऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब सब ऑर्डर्स बताऊंगा और सब ऑर्डर्स के डिवीजन के बारे में बताऊंगा। तो ये आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है और थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है। बोरिंग इन द सेंस कि आपको उन इंसेक्ट्स के बारे में इतना डीप पढ़ना नहीं है बीएससी लेवल पे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ कुछ मेन पॉइंट्स बता दूं ताकि आप हर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में या फिर जो उनके सब क्लासेस हैं या फिर क्लासेस हैं उनमें आप ये मतलब डिफरेंशिएट कर पाओ कि ये जो डिफरेंट कैटेगरीज यानी 19 कैटेगरीज पढ़ेंगे तो वो उनमें डिफरेंस क्या है या फिर कह सकते हैं कि उन कैटेगरीज को बनाया क्यों गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसे मैंने बताया हेमिप्टेरा, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे इंसेक्ट जिनके विंग्स क्या होंगे, हाफ होंगे, पूरे बॉडी को कवर नहीं करेंगे। इनका सिनोनिम जो होता है रिंकोटा होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखो RHYNCHOTA, ठीक है। इनका कॉमन नेम होता है ट्रू बग्स। ट्रू बग्स कहने का मतलब क्या है कि इनमें जो इंसेक्ट्स होंगे वो बग टाइप होंगे, ट्रू बग्स होंगे। अभी हम बग्स के जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे ताकि आप डिफरेंट इंसेक्ट्स में से बग्स को क्या कर पाओ, हम क्लासिफाई कर पाएँ या फिर हम सेपरेट आउट कर पाएँ कि इन्हीं इंसेक्ट्स को हम बग्स कहेंगे। सबसे पहला है कि इनका जो हेड होता है वो ऑफिस्टोग्नैथस होता है। याद होगा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि तीन तरह का हेड होता है, एक प्रोग्नैथस, हाइपोग्नैथस और ऑफिस्टोग्नैथस। ऑफिस्टोग्नैथस वैसे टाइप का हेड होता है जो कि बेंड होता है किसी एंगल पे और वो अपने फोर लेग के पास उनका जो होता है माउथ का जो प्रोनोटम या फिर कह सकते हैं कि जो माउथ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैंडिबल वगैरह, वो उनके लेग के पास पहुँच जाता है, मतलब कुछ एंगल पे बेंड होता है। जैसे बॉडी एक्सिस ये हो गया, ठीक है, यहाँ मान लो ये उसका बॉडी एक्सिस है तो हेड जो होगा इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है, इसको ऑफिस्टोग्नैथस बोलते हैं। माउथ पार्ट जो होगा बग्स का वो पर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है, ठीक है। ब्रिसल्स पाया जाता है, स्टाइलेट्स पाया जाता है विच आर मॉडिफाइड मैंडिबल्स या फिर मैक्सिला, जो हमारा मैं बता रहा हूँ कि ब्रिसल्स और स्टाइलेट्स होते हैं। स्टाइलेट्स क्या है, पर्सिंग ऑर्गन होता है, ठीक है, ये मॉडिफाई होता है मैंडिबल्स का भी या फिर मैक्सिला का। स्टाइलेट्स जो होते हैं रेस्ट ऑन दी ग्रुप लैबियम और रोस्ट्रम कहते हैं, मतलब जो स्टाइलेट्स हैं वो कहाँ रहते हैं जनरल कंडीशन में, ग्रुप होता है एक लैबियम का, उसमें बोथ लैबियल पैल्प्स एंड मैक्सिलरी पैल्प्स आर ऑर्थ्रोप्टॉइड, ठीक है। मीजोथोरेक्स जो होता है रिप्रेजेंट करता है डॉर्सली बाय स्क्यूलेटम, कहने का मतलब मीजोथोरेक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किसको वहाँ पे मीजोथोरेक्स कहते हैं, तो स्क्यूलेटम जो है वो मीजोथोरेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इनके फोर विंग्स के बारे में बात कर ले तो ये यूनिफॉर्मली थिक होते हैं थ्रू आउट, एंड बेसिकली जो लास्ट रीजन होता है डिस्टली अगर बात करें तो ये मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। सर की अगर बात करें, जो सेंसरी ऑर्गन है इंसेक्ट के जो लास्ट पार्ट होता है, जो एब्डोमेन पार्ट होता है उस पर पाया जाता है, लास्ट पे पाया जाता है, वो एबसेंट होगा, ठीक है, मतलब जनरल इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, इन ट्रू बग्स में एब्सेंट होगा। मेटामॉर्फोसिस अगर बात करें तो ग्रेजुअल होता है या फिर रेयरली कंप्लीट देखा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल बात करें तो सुटेबली मॉडिफाइड टू हैंडल लिक्विड फूड, कहने का मतलब जो बग्स हैं बेसिकली उनका जो मेन फूड है वो लिक्विड फूड होता है, इनमें फिल्टर चैम्बर्स पाए जाते हैं। सैलिवरी ग्लैंड यूनिवर्सली प्रेजेंट है, यानी सारे 100% जो बग्स हैं उनमें प्रेजेंट होंगे, ठीक। एक्स्ट्रा ओरल डाइजेशन इज अपेरेंटली वाइड स्प्रेड। एक्स्ट्रा ओरल डाइजेशन कहने का मतलब है कि ओरल क्या हो गया, माउथ कैविटी के बाद, ठीक है, एक्स्ट्रा ओरल मतलब माउथ कैविटी को छोड़ के उनमें डाइजेशन जो होगा वो अपेरेंटली वाइड स्प्रेड है, कहने का मतलब है कि डिफरेंट लोकेशन जो बॉडी में है वहाँ पे भी डाइजेशन होगा, ठीक है। क्योंकि देखो डाइजेशन मेन उनका कोई सॉलिड फूड तो जाना नहीं है, ब्लड से जो भी न्यूट्रिशन जाना है तो हर जगह पे क्या होगा, उनका डाइजेशन होगा। एब्डोमिनल गैंग्लिया फ्यूज्ड विथ थोरैसिक गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या है, नर्वस सिस्टम, जो एब्डोमिन का जो गैंग्लिया है यानी न्यूरॉन्स जो हैं वो थोरैसिक गैंग्लिया से कनेक्टेड होते हैं फिर फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो बेसिक फीचर है ट्रू बग्स का वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो भी पॉइंट्स बोले हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब जो हमारा क्लासिफिकेशन है कि ये अभी हमने जो हेमिप्टेरा बोला वो क्या है, एक ऑर्डर है।
तो ऑर्डर के अंदर आता है हमारा सब ऑर्डर्स। तो जो हेमिप्टेरा ऑर्डर है उसके अंदर दो सब ऑर्डर्स हैं, पहला हेट्रोप्टेरा, ठीक है। हेट्रोप्टेरा का मतलब क्या हो गया, हेट्रो, और टेरा मतलब अभी आपको ऊपर बताया था क्या, विंग्स, डिफरेंट विंग्स। होमो मीन्स क्या होता है, सेम, एंड टेरा मीन्स हो गया विंग्स, यानी सेम विंग्स, ठीक है। तो ये जो बग्स हैं उनमें डिफरेंट विंग्स और सेम विंग्स, यानी टाइप ऑफ विंग्स के बेसिस पे दो सब ऑर्डर्स हैं, एक हेट्रोप्टेरा और दूसरा होमोप्टेरा। हेट्रोप्टेरा में क्या है, हेड इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। होमोप्टेरा में क्या है, डीफ्लेक्स्ड, बेसिस ऑफ द फोर लेग्स डू नॉट टच द हेड, बेसिस ऑफ द फोर लेग्स टच द हेड, ठीक है। क्योंकि इनमें हेड किस तरीके का है, ऑफिस्थोग्नेथस टाइप का, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था। यस, मैं बोल रहा था कि हेट्रोप्टेरा जो है उसमें बीक जो एराइज होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड से एराइज होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम होमोप्टेरा में बात करें तो बीक एराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हेड, ठीक है। प्रोनोटम के बारे में बात करें तो ग्रेटली इनलार्ज होता है हेट्रोप्टेरा में, ठीक है। और प्रोनोटम जो होता है ऑलवेज स्मॉल होगा या फिर कॉलर लाइक होगा होमोप्टेरा में, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आपको इन इंसेक्ट्स को पहचानना तो है ही, लेकिन साथ साथ बस ये है कि आप इनके क्लासिफिकेशंस को याद रखना और इनके थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स को याद रखना। क्योंकि मैं अभी जानता हूँ बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, अभी तो हम ये एक ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इन लेक्चर्स को बनाने का मेरा एक ही मोटो है कि आप बेसिक क्लासिफिकेशन को देख लो। क्योंकि इन लेक्चर्स को जरूरी नहीं है कि बीएससी वाले ही बच्चे देख रहे हैं, इनको एमएससी वाले बच्चे देख रहे हैं, तो उनको और डेप्थ में ही पढ़ना है। तो अगर किसी को भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं स्पेशली आपको बोलता हूँ कि मैं उन टॉपिक्स को लेके स्पेशली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी जो कंसिडर करता हूँ कि जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूँ, ताकि उन्हें ओवरऑल एक आइडिया मिल जाए कि हम क्या पढ़ते हैं और चीज़ें कहाँ हैं और किस फ्लो में हमें पढ़ना है एंटोमोलॉजी को, ठीक है। तो अब जैसे मैंने डिस्कस किया अभी आपके साथ कि प्रोनोटम बता दिया, ठीक है। अब है कि फोर विंग्स के बारे में, तो फोर विंग्स जो इनमें पाए जाते हैं हेवली स्क्लेरोटाइज होते हैं एट द बेस। बेस किस, कौन सा रीजन होगा, जो बॉडी से अटैच होता है। तो जो फोर विंग्स है वो मतलब हाईली स्क्लेरोटाइज हैं बेस पे, और एपिकल हाफ जो होता है मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हेमिएलाइट्रा बोलते हैं इन विंग्स को, ठीक है। लेकिन अगर होमोप्टेरा में बात करें, अगर हम जिनमें विंग्स सेम टाइम है, तो फोर विंग्स जो होते हैं यूनिफॉर्म टेक्सचर का होता है, दे आर फ्रिक्वेंटली हार्डर देन हाइंड पेयर, थोड़े से ज़्यादा हार्ड होते हैं हाइंड पेयर से। तो आई होप ये डिफरेंस अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब जो दूसरा मतलब जो पॉइंट है, हनी ड्यू सिक्रेशन जो है अनकॉमन है, हनी ड्यू सिक्रेशन जो है बहुत कॉमन है। तो ये मैंने हनी ड्यू आपको पहले बता रखा है कि क्या होता है, ठीक है। बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक होते हैं हेट्रोप्टेरा, लेकिन अगर होमोप्टेरा में बात करें तो टेरेस्ट्रियल होते हैं। हर्बीवोर्स होते हैं, ब्लड सकिंग होते हैं जो हेट्रोप्टेरा, और अगर हम होमोप्टेरा में बात करें तो कम्प्लीटली हर्बीवोर्स होते हैं। तो ये है बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर इनटू सब ऑर्डर्स, ठीक है। हेमिप्टेरा दो पार्ट में है, हेट्रोप्टेरा और होमोप्टेरा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ द हेट्रोप्टेरा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे कि जो भी इम्पॉर्टेंट फैमिलीज है हेट्रोप्टेरा का, उनका ही डिस्कशन करने वाले हैं हम। होमोप्टेरा का जो डिस्कशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि जो अगर हम देखें कि हेट्रोप्टेरा में 11 फैमिलीज हैं, क्योंकि जो इसके नीचे जो हमारा, जैसे हम किंगडम आते हैं, फाइलम आते हैं, क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली आती है। तो जो फैमिलीज़ हैं वो हेट्रोप्टेरा में भी है और होमोप्टेरा में भी है। हेट्रोप्टेरा में 11 फैमिलीज हैं और होमोप्टेरा में 13। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ हेट्रोप्टेरा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है फैमिली वो है जेरिडे, ठीक है। जेरिडे में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आते हैं आपके, लंबे लंबे इंसेक्ट्स आएंगे, इलोंगेट इंसेक्ट्स, ठीक है। जीसस बग इसका एक एग्जाम्पल है। इनमें फोर लेग्स जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, रैप्टोरियल होते हैं एंड सूटेड फॉर कैप्चरिंग प्रे। मिडिल लेग जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, यूजफुल फॉर पुशिंग, ठीक। हाइंड लेग्स आर लॉन्ग एंड यूजफुल इन स्टिंग, ठीक है। हाइंड फीमर इज वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द एब्डोमेन, ठीक है। ये तो जनरल पॉइंट्स हैं बस, ठीक है। आप इनको ऐसे इंग्लिश में आप पढ़ लोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। लेग्स आर लिफ्टेड विथ फाइन नॉन वेटिंग हेयर्स, ठीक है। नॉन वेटिंग हेयर्स यानी इनको वाटर पे आराम से वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्टे करा सकते हैं। दे स्केट ऑन वाटर सरफेस, कहने का मतलब है कि आराम से ट्रेवल करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको। दे फीड ऑन इंसेक्ट्स फॉलिंग ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जेरिडे के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप बोलोगे तो मैं आपको इसके इमेजेस भी दिखा दूंगा,
चलिए, तो आप जो भी राइट साइड पे देख रहे हो, ये एक इमेज है जेरिडे का, ठीक है, जेरिडे का एक एग्जांपल का ये एक इमेज है जो कि वाटर के ऊपर है। सेकंड जो है वो है रेडुविडे, ठीक है, रेडुविडे जो है सेकंड हमारा फैमिली है हेट्रोप्टेरा का। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है कोन नोज बग्स, इनके हेड जो होंगे नैरो होंगे, इलोंगेट होंगे, कंस्ट्रिक्टेड बिहाइंड द आई फॉर्मिंग द नेक, मतलब ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे उनका लगेगा कि उनमें क्या है उनका गला है, ठीक है। बी की शॉर्ट, बी क्या होता है जो माउथ का जो आगे का पार्ट होता है, बी की शॉर्ट थ्री सेगमेंट एंड फिट्स इनटू अ ग्रूव इन द प्रोस्टर्नम, ठीक है। एब्डोमेन जो होता है वाइडेंड होता है इन द मिडल, मिडल में स्टर्नम उनका सॉरी एब्डोमेन जो होता है चौड़ा होता है। आप जो अभी राइट साइड में जो फिगर देख रहे हो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेटरल मार्जिन ऑफ द एब्डोमेन सेगमेंट्स आर एक्सपोज बियॉन्ड द विंग्स, मेनी ऑफ द प्रीडेसियस और अदर इंसेक्ट्स लाइक, जैसे मैंने बताया कि कोन नोज बग्स जो होते हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड है वो है सिमिसीडे, ठीक है। सिमिसीडे जो हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेड बग, बेड बग सबने देखा है, ठीक है, तो इसका इमेज मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। बॉडी जो होता है डोर्सो वेंट्रली यानी आगे पीछे से क्या होता है चपटी होती है, दे कैन हाइड इन क्रैक्स और दी क्रिवाइसेस ऑफ दी वुड, बॉडी इज ओवल इन आउटलाइन, ठीक है, मतलब अगर हम बाउंड्री वाइज देखें तो उनका बॉडी शेप जो होता है ओवल होता है और चपटा होता है। इट इज डल रेडिश ब्राउन इन कलर, थोरेक्स जो होगा डीपली नॉस्ड होगा इन फ्रंट ऑफ फ्रंट टू रिसीव दी शॉर्ट हेड अप टू बल्जिंग आइज, कहने का मतलब है कि जो थोरेक्स होता है वो डीपली नॉस्ड होता है, ठीक है। हेलीलेट्रा शॉर्ट एंड रिड्यूस टू स्केल लाइक पैड्स, कहने का मतलब है जो हाइंड मेम्ब्रेनस विंग्स हैं वो शॉर्ट होते हैं, रिड्यूस होते हैं, स्केल्स लाइक पैड्स। हाइंड विंग्स आर कम्प्लीटली ऑर्थोप्टेड, ठीक है, और इनका जो जो कैविटी है वो जो होता है हेमोसोइलिक होता है, ठीक है, मतलब कैविटी कहने का मतलब जो हीमोसिल है वो ही रिसीव करता है स्पर्म्स को, ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रॉमेटिक इंसेमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप देखो ट्रोमेटिक इंसेमिनेशन, इसमें क्या होता है द मेल बर्ड बेड बग जो है पर्स द इंटेगमेंट ऑफ द फीमेल एंड इंजेक्ट्स द स्पर्म इनटू द हिमोसिल ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ठीक है। हिमोसिल क्या होता है, इनकी बॉडी कैविटी को कहते हैं। अब जो हमारा फोर्थ नंबर है वो फोर्थ नंबर जो है टिंगी डे होता है, ठीक है। टिंगी डे इनका जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है लेसविंग बग्स, ठीक है। प्रोनोटम जो होता है वो लेटरल एक्सपेंशन होता है विथ लेस लाइक स्कल्पचरिंग, स्क्यूटेलम इज कंसील्ड बाई प्रोनोटम, फोर विंग्स हैव एलाबोरेट लेस लाइक मार्किंग्स ड्यू टू डेंसली रेटिकुलेटेड रेस्ड विंग वेनेशन, कहने का मतलब है फोर विंग जो होता है एलाबोरेट होता है लेस लाइक, ठीक है, मार्किंग्स ड्यू टू उनके ऊपर मार्किंग्स प्रेजेंट होता है और रेटिकुलेट जैसे हम लिप्स के ऊपर देखते हैं वेंस फैली होती हैं तो उसके तरह से इनका विंग दिखता है। जैसे अभी आप जो राइट साइड में जो इमेज देख रहे हो उनमें आप इस विंग्स पे देखो कैसे जो जैसे लगे कि हमने क्लोरोफिल निकाल दिया किसी लीफ का, उनमें वेंस दिख रहे हैं, वो उस तरीके के इनके फोर विंग्स होते हैं। निम्फ जो उनके बनते हैं वो डिफर करते हैं एडल्ट से, दे आर यूजुअली स्पाइनी एंड लैक लेस लाइक मार्किंग, मतलब जो इनका निम्फ होगा उनमें ये मार्किंग्स जो विंग्स में है वो मार्किंग्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। दे सिक्रीट हनी ड्यू, ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया बनाना लेस विंग्स, ठीक है। तो हमने अभी तक चार फैमिलीज को डिस्कस कर लिया है हेट्रोप्टेरा का। अब जो हमारा फिफ्थ है वो है मिरीडे। मिरीडे का मेन एग्जाम्पल जो है वो प्लांट बग या फिर लीफ बग्स, ठीक है। इनमें बीक और एंटीना जो होते हैं फोर सेगमेंट में पाए जाते हैं, हेमीलाइट्रा विथ डिस्टिंक कोरियम क्लेवस क्यूनियस, ये तीन पार्ट हैं हेमीलाइट्रा के, तीन डिस्टिंक रीजन पाए जाते हैं, ठीक है। अगर निम्फ के बारे में बात करें तो निम्फ और एडल्ट जो है फीड ऑन द प्लांट जूस एंड सम स्पीसीज कॉज फाइटोटॉक्सेमिया ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ द टॉक्सिक सलाइवा, ठीक है। इफ यू आर ऑल्सो प्रीडेसियस, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड करने वाले, जैसे एग्जाम्पल है टी मॉस्क्यूटो। तो इसका जो इमेज है मैं आपको राइट साइड में भी दिखा रहा हूँ, ये देखो ये जो है इसका एग्जांपल है मिरीडे का। अब जो सिक्स्थ है वो है लिगेइडे, ठीक है। लिगेइडे का स्पेलिंग क्या है आप ध्यान से देखना, LYGAEIDA। इसका एग्जांपल होता है सीड बग्स या फिर क्लिंच बग, चिंक बग्स, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो मेम्ब्रेन जो है फ्यूर मेम्ब्रेन जो होता मतलब जो विंग है उनके मेम्ब्रेन पे फ्यू इरेगुलर वेंस पाई जाती हैं 4 से 5, ठीक है, जो अराइज करते हैं ट्रांसवर्स वेसल वेन से, ठीक है। इसका एग्जांपल है डस्की कॉटन बग और यहाँ पे आप राइट साइड में इसके इमेज को देख रहे हो। अब जो सेवेंथ है
सेवन नंबर है वो है पायरोकोरिडे, इसका एग्जांपल होता है रेड बग, ठीक है। यहाँ पे देखो पायरोकोरिडे जो है इसका एग्जांपल है रेड बग, ठीक है। दे आर इलोंगेट ओवल बग्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनका जो फीडिंग इंजरी होता है कॉज्ड बाय दीज बग्स लीड टू कंटामिनेशन बाय द फंगस, कहने का मतलब ये जब काटते हैं तो फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है देखो आप इसको पढ़ लेना, इसमें पढ़ लेना इन द सेंस मैंने चार पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मुझे लगा कि डिफरेंशिएट कर सकता है अदर फैमिली से, तो मैंने ये चार पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अगर कलर के बारे में बात करें इसमें दो दे सो वार्निंग कलरेशन, मतलब अगर एनीमिया आ गया या फिर किसी वजह से दूसरे को कलर के फॉर्म में ये वार्निंग देते हैं, दे आर ब्राइटली मार्क विथ रेड एंड ब्लैक कलर। ये राइट साइड में आप इसका इमेज देख रहे होंगे। जो एट है, जो एट नंबर पे है वो है कोरिडे। कोरिडे का एग्जाम्पल है स्क्वैश बग्स और लीफ फूटेड बग्स, मेम्ब्रेन जो मतलब यानी जो विंग मेम्ब्रेन है विथ मेनी ब्रांचिंग वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसवर्स बेसल वेन, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें तो हाइंड टीबिया एंड टार्सी आर एक्सपेंडेड एंड लीफ लाइक, कहने का मतलब जो पीछे वाला पैर है उसका जो टीबिया होता है वो चौड़ा होता है, लीफ की तरह फ्लैट होता है, ठीक है। आप इस इमेज में देखो इनके जो हाइंड लेग्स हैं वो कैसे हैं, चौड़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोरिडे, ठीक है। तो अभी हमने टोटल डिस्कस कर लिए आठ, टोटल है 11, यानी अभी हम और जो तीन फैमिलीज हैं उनको डिस्कस करेंगे हेटरोप्टेरा के। नाइन्थ है, नाइन्थ नंबर पे जो है वो है पेटा टोडीमेटे, ठीक है, पेटा टोमिडे, ठीक है। इसका जो जो उसका जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो स्टिंग बग्स, आपने स्टिंग बग्स भी देखे होंगे, ठीक है। एंटीना जो होता है इनका फाइव सेगमेंट में पाया जाता है, स्क्यूटलम जो होता है प्रोमिनेंट होता है और सील्ड लाइक होता है, ठीक है। एडल्ट्स एंड नीम्स प्रोड्यूसेस अ डिग्रेडेबल ऑर्डर, ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो होता है स्टिंक बग्स कहा जाता है इनको, क्योंकि इसमें इन स्टिंक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि इनके मेटाथोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है और एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है। सम ऑफ द फाइटोफेगस, मतलब अगर हम बात करें तो ये इंसेक्ट्स फाइटोफेगस भी होते हैं और सब जो होते हैं प्रीडेसियस भी होते हैं, पकड़ के मार के खाने वाले, जैसे एग्जाम्पल हो गया ग्रीन स्टिंक बग्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नाइन्थ फैमिली। अब जो हमारा टेंथ है वो है नेपिडे। नेपिडे का जो एग्जांपल है वो है वाटर स्कॉर्पियन, आपने इस इंसेक्ट को देखा होगा। फोर लेग्स जो होते हैं वो रैप्टोरियल होते हैं एंड सुटेड फॉर प्रे कैचिंग, आगे वाले लेग्स जो हैं प्रे कैचिंग में हेल्प करते हैं। मिडिल एंड हैंड लेग्स आर सुटेड फॉर वॉकिंग, जो बीच वाले और जो हैंड लेग्स है वो वॉकिंग के लिए है। ए लॉन्ग कॉर्डल ब्रीदिंग ट्यूब फॉर्म बाय द सर्की इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द एब्डोमेन, ये जो पीछे जो देख रहे हो पीछे लंबा सा निकला हुआ है इसी को बोल रहा है कॉर्डल ब्रीदिंग ट्यूब है, ठीक है, जो कि अपेक्स ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। दे इन्फ्लिक्ट अ पेनफुल बाइट व्हेन हैंडलिंग, इन्हें पकड़ेंगे तो ये बहुत तेजी से काटते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंथ नेपिडे। और जो लास्ट है वो है बेलोस्टोमा टीडे, ठीक है, जो लास्ट है वो है बेलोस्टोमा टीडे। इनके एग्जांपल्स होते हैं जायंट वाटर बग्स और इलेक्ट्रिक लाइट बग्स। दे आर लार्ज साइज इंसेक्ट्स, आईज जो होता है बीड लाइक होता है, एंटीना जो होता है वो ईयर लाइक पॉकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉरी ईयर लाइक पॉकेट्स में होते हैं, कंसील्ड होते हैं। फोर लेग्स अगर बात करें तो रैप्टोरियल होंगे, मैंने सारे लेग के टाइप भी बता रखे हैं आपको लेक्चर्स में, तो आप इनको समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखो, ठीक है। पोस्टीरियर लेग्स आर एडॉप्टेड फॉर स्विमिंग, यानी ये जो इंसेक्ट्स है वो स्विम करते हैं अपने पोस्टीरियर लेग के हेल्प से। टीबिया एंड टार्सस जो होते हैं फ्लैटेंड होते हैं ताकि लार्जर सरफेस एरिया मिले और वो आराम से उनके ऊपर जो हेयर्स हैं उनको बायंसी प्रोवाइड करें। एब्डोमेन जो होंगे टू शॉर्ट रेक्टाइल एपिकल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिनसे वो ब्रीदिंग ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है, फोटोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या हो गया, लाइट के लिए सेंसिटिव है। दे आर एक्सीलेंट फ्लायर्स एंड स्विमर्स, मतलब बहुत अच्छे से उड़ सकते हैं या स्विम कर सकते हैं। इन सम स्पीसीज एग आर लेड ऑन द बैक ऑफ द मेल, मेल के बॉडी पे ही लेग देती हैं, लेग को ए कर देती हैं, सॉरी एग को ले कर देती हैं। दे सक द ब्लड फ्रॉम द टोड्स फ्रॉग्स फिशेस एंड इवन द ह्यूमन बींग्स। तो ये है हमारे 11 फैमिलीज ऑफ द हेटरोप्टेरा। तो आई होप अभी तक का आपको लेक्चर ये समझ में आया होगा। तो आप देख लो मैंने 11 फैमिलीज जो है इनका डिस्कस कर दिया है। तो अगर किसी को भी इस लेक्चर में अभी कुछ दिक्कत है तो आप मुझसे अभी आप वीडियो के बाद ही कमेंट सेक्शन में पूछ लो।
अगर फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इन डिटेल अभी और पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हो, मैं उनके लिए प्रॉपर एक लेक्चर ही लेकर आ जाऊँगा। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।